परासिया के करीब लगे कोसमी जंगल में इस वक्त भीषण गर्मी की वजह से पशु पक्षी के साथ जानवरों को भी पीने के पानी की संकट हो रहा है, जिसको लेकर सामाजिक सेवी रिंकू चौरसिया ने जंगल में बने टाका में पानी डलवाकर सराहनीय कार्य किया है। विगत दिनों पानी की कमी की वजह से जानवर गांव की ओर पलायन कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुत्तों के हमले से जानवरों की मौत भी हो रही है। इन सब समस्या से निपटाने के लिए वन विभाग ने भी जंगलों में जगह जगह पशु पक्षी और जंगली जानवरों के लिए पीने की व्यवस्था की है। इसी के साथ सभी नगर बंधुओं से निवेदन किया गया है कि इस भीषण गर्मी में अपने घर के आसपास और छतों पर पशु पक्षी के लिए पीने के पानी की व्यवस्था बनाए रखें। में हमारे जिले में तापमान बहुत अत्यधिक बढ़ते जा रहा है, जैसा कि अभी 40 डिग्री के ऊपर यहाँ पे पारा जा चुका है, और इस समय पर जंगली वन जीव जो है ये पानी के लिए मारे परेशान हो रहे हैं। जंगलों में कहीं पर भी जो नाले नरूहे नदियाँ होती हैं सब सूख चुके हैं, इनके पीने के लिए पानी की कहीं भी व्यवस्था नहीं है। हमारे ग्रुप के द्वारा यहाँ कोसमी के जंगल में और नर्सरी के जंगल में दो जगह पर जंगली वन जीवों की प्यास बुझाने के लिए, आप जैसा कि पीछे देख रहे हैं, ऐसे कंक्रीट के पानी के टाके हमारे द्वारा बनाए गए हैं, जिसमें हर वर्ष हम लोग पानी भरवाते हैं, जिससे जंगली वन जीव यहाँ पर अपनी प्यास बुझा सके। होता यह है कि पानी की कमी के कारण ये जंगली वन जीव शहर की ओर आमादा होते हैं, गाँव की ओर आमादा होते हैं। ऐसी अवस्थाओं में ये इंसानों और कुत्तों के शिकार होते हैं, रोडों पर दुर्घटना से इनकी मृत्यु होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज महावीर जयंती है और इसमें जी और जीनो दो, यह महावीर स्वामी जी का एक संदेश है। इसके अंतर्गत भी आज ये हमारे द्वारा पुनीत पावन कार्य किया जा रहा है। धन्यवाद। द्वारा व्यवस्था बनाई जाती है और जिससे वन्य प्राणी यहाँ के जो वन्य प्राणी हैं जल को पीते हैं, और यहाँ पर बहुत से वन्य प्राणी पाए जाते हैं, चीतल है, शुअर है, ये वन्य प्राणी का बाहुल क्षेत्र है। हम उनका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि वो वन्य प्राणी का पानी जल की व्यवस्था उनके माध्यम से की जाती है। हमारे जिले में तापमान बहुत अत्यधिक बढ़ते जा रहा है, जैसा कि अभी 40